हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ रेप्टिलिया। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम मनीष पटेल है और आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं रेप्टिलिया के इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है। फर्स्ट जो हमारा होता है प्रीडोमिनेंटली मतलब ये मुख्य रूप से क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब पृथ्वी पर लैंड पर पाए जाते हैं। भाई पृथ्वी पर सभी पाए जाएंगे लेकिन लैंड पर पाए जाएंगे। क्रीपिंग होते हैं, रेंग कर चलने वाले होते हैं, जैसे सांप हो गया। बेस्ट एग्जांपल आप सांप को अपने दिमाग में रख लीजिए एंड उसको देखिए। ये बोरिंग होते हैं, बिल बनाकर रहते हैं। भाई सांप तो बिल बनाकर नहीं रहता लेकिन बिल में रहता है। सो तो ये बोरिंग होते हैं। ये मोस्टली क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। ये अदर एनिमल्स को खाते हैं। ये एयर ब्रीडिंग होते हैं या वायु से सांस लेते हैं। एंड ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं एंड ओविपोरस, बच्चे देने वाले होते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड मतलब होता है ये जो है कि अपना टेम्परेचर वायुमंडल जैसे इन्वायरमेंट के अनुसार ना ये अपना टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जब जो है कि पूरी तरह से चेंज कर ले, थोड़ा बहुत जो है कि वायुमंडल के अनुसार अपना टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं। इसलिए आप लोग देखते होंगे जब जाड़ा का समय आ जाता है तो जो छिपकलियाँ रहती हैं या फिर जो सांप रहते हैं वो दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। सो अगला जो है कि हमारा करेक्टर है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा बॉडी जो इनकी होती है ना, वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होती है। मीन्स बीस काटने पर अलग अलग भागों में कट बढ़ जाए, उसी को कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल एंड डिविजिबल इनटू द फोर रीजन। इनको जो है कि इनका जो शरीर होता है वो डिवाइड इनटू द फोर रीजन। अब वो फोर रीजन क्या क्या है, हेड हो गया मतलब उनका कपार हो गया, नेक गर्दन का ट्रंक मतलब पूरा बॉडी हो गई नेक गर्दन से लेकर कहाँ तक, टेल। एंड फिर इसके बाद टेल में डिविजन किया गया, इनका जो बॉडी होता है वह चार भागों में डिविजन किया गया है। बॉडी ऑफ द रेप्टिलिया डिवाइडेड इनटू फोर रीजन, हेड नेक ट्रंक एंड टेल। नाउ द अगेंस्ट पॉइंट, लिंब जो होता है वो टू पेयर होता है। लिंब मतलब हो गए हाथ हो गए पांव हो गए पंख हो गए, इसको जबकि लिंब में कंसिडर किया जाता है तो लिंब जो होते हैं वो टू पेयर होते हैं। ये पेंटा डैक्टिल होते हैं मतलब कि पाँच होते हैं। भान और यद्यपि लिंब जो होता है वो अब्सेंट होता है इन फ्यूलिजर्ड एंड ऑल स्नेक। भाई आप लोग तो स्नेक तो देखे होंगे लेकिन उसमें जो कोई भी उसका जो है कि हाथ पैर नहीं पाए जाते, तो उसमें जो है कि लिंब जो होता है वो अब्सेंट होता है। बट लेकिन क्रोकोडाइल में पाए जाते हैं दो पेयर, पांच पांच होते हैं दोनों में, जो इसको होता है ना वो ऑफ द हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स होते हैं, सील्ड होते हैं, प्लेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग सांप का देखे होंगे तो सांप के ऊपर जो है कि आप अगर आप ब्लेड से करें तो मतलब उसको स्क्रैच करें तो उसको आपको जो है कि स्केल दिखाई देंगे, उससे कहेंगे स्केल कहेंगे, स्केल सील्ड एंड प्लेट्स, उससे जो है कि चमकता है वह। एंड जो हमारा अगेन अगला जो पॉइंट होता है जो एजिकल स्लॉट होता है ना उसके ऊपर जो पाए जाएंगे स्क्लोटॉन, जो इंडो स्क्लोटॉन जो होते हैं उसके अंदर, जैसे जो मनुष्य का कंकाल तंत्र होता है जो हड्डियों का बना होता है, पूरे मांस अगर निकाल दी जाए तो जो बचेगा उसे क्या कहेंगे, इंडो स्क्लोटॉन कहेंगे। उसी प्रकार सांप का भी जो होता है जो इंडो स्क्लोटॉन होता है वो बोनी होता है, मेटल ऑफ द बोन, वो हड्डियों का बना होता है। तो स्क्लोटॉन जो बाहरी होते हैं, ये जो है इंटरनली होता है। ओके, देन अगेन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है माउथ टर्मिनल होता है मतलब आखिरी होता है। जा बियर द सिंपल कॉनिकल टीथ, जा जो होता है जो मनुष्य का जबड़ा होता है वो बियर करता है, क्या बियर करता है, सिंपल कॉनिकल टीथ। कॉनिकल का मतलब होता है नुकीला, जैसे कि होगा सुई की तरह ना, वैसे जो है कि दांत बियर करता है, क्योंकि जब मनुष्य को काटता है ना सांप तो वही जो है कि जो कॉनिकल टीथ होता है वही मनुष्य के अंदर धस जाता है अगर वो पॉइजनस स्नेक हो तो। इन टर्टल, जबकि टर्टल में हम देखते हैं टीथ जो होता है रिप्लेस बाय द हॉर्नी बिल्स, जो टीथ होता है वह रिप्लेस कर दिया जाता है किसके द्वारा, चोंच के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना, तो अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, फिर से मैं दोहरा दूंगा। एक बार जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ना वह
ट्रेनमेटेड मतलब अंत होता है, किसमें अंत होता है, क्लोकल अपर्चर। व्हाट इज द क्लोकल अपर्चर? क्लोकल अपर्चर उस अपर्चर को कहते हैं जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, रेप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द यूरिनरी सिस्टम ओपन होता है। दैट सिस्टम दैट इज अपर्चर इज नोन एज द क्लोकल अपर्चर। एंड अगेन जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो स्किन जो होती है इनकी ड्राई होती है। मीन्स इसकी जो स्किन जो होती है, आपने सर्प तो देखा ही होगा, सर्प को अब छुए होंगे तो भाई नहीं छुए होंगे तो उसकी बात है, अगर छुआ होगा तो उसकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है, सूखी हुई उसकी स्किन होती है। सो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हर्ट। हर्ट क्या होता है? मनुष्य का हर्ट जो है कि 4 चैम्बर होता है, बट लेकिन जो क्रोकोडा लेकिन जो रेप्टिलिया में होता है वो 3 चैम्बर होता है, बट 4 इन क्रोकोडाइल जो हमारा मगरमच्छ होता है उनमें 4 चैम्बर में 4 चैम्बर का हर्ट प्रेजेंट होते हैं। एंड अगेन जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आरबीसी ओवल हो गया मतलब गोलाकार होता है एंड न्यूक्लिएटेड। इनमें क्या होता है, इनमें केंद्रक पाई जाती है इनके आरबीसी में, जबकि मनुष्य के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाई जाती। आरबीसी एब्सेंट इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में जो आरबीसी में पाई जाती है, भाई ह्यूमन बॉडी में जो डब्ल्यूबीसी उसमें पाई जाती है, बट लेकिन आरबीसी में एब्सेंट होती है। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है मतलब इनकी जिसके द्वारा सांस लेती है, जैसे मनुष्य फेफड़ों के द्वारा सांस लेता है, तो ये भी जो है कि फेफड़ों के द्वारा ही सांस लेते हैं। अब आपके दिमाग में एक विचार आ जाएगा कि जो हमारे मगरमच्छ होते हैं ना वो तो पानी में ही रहते हैं, बट लेकिन वो जो है कि सांस लेने के लिए सतह पर आते हैं, सतह पर आएंगे सांस लेंगे फिर चले जाएंगे अंदर। ओके, तो उम्मीद करते हैं पॉइंट आपको जो है समझ में आ गया हो। देखिए रेस्पिरेशन जो होता है बाय द लंग्स द्वारा होता है, किडनी जो होती है वो मेटानेफ्रिक होती है, ठीक। एक्सक्रेशन जो इनका एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट क्या होता है, वो यूरिएटरी होता है मतलब यूरिया होता है इनका। एंड जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ब्रेन होता है, दिमाग इनका जो है दिमाग होता है डेवलपमेंट होता है। एंड हैविंग द इनका जो दिमाग होता है वो एम्फीबियंस होता है, वो मोर डेवलपमेंट होता है। एंड द हैविंग 12 पेयर ऑफ द क्रैनियल नर्व, इनकी जो माइंड खोपड़ी में जो होता है 12 पेयर क्रैनियल नर्व पाई जाती हैं। एंड अगेन जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, लेटरल सिस्टम इनमें नहीं पाया जाता है, और जो सेक्स होता है इनमें सेपरेटेड होता है, मेल एंड फीमेल इसमें अलग अलग पाए जाते हैं, इनमें शब्द रेप्टिलिया। जो फर्टिलाइजेशन होता है वह इंटरनल होता है, ठीक है। एंड जो हमारा लास्ट पॉइंट है वह है पेरेंटल केयर, पेरेंटल केयर वह यूजुअली सामान्यतः अब्सेंट होता है, इनमें नहीं दिखाई देता, जबकि हम एम्फीबिया में देखते हैं, एम्फीबिया में जो है कि पेरेंटल केयर पाया जाता है, जबकि मनुष्य में भी पेरेंटल केयर पाया जाता है कि वह बच्चों को कैसे सुरक्षा देता है, तो उसी को हम कहेंगे पेरेंटल केयर, कि अपने जो बच्चा है उसको किस प्रकार सुरक्षा प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड कराता है कि जब तक वह खुद ही खाने पीने लायक ना हो जाए तब तक जो है कि उसको जो है कि सुरक्षा प्रोवाइड कराता है, जबकि इनके शब्द स्नेक दैट इज द अब्सेंट होता है। सो एक बार जो फिर से हम दोहरा लेते हैं, प्रीडोमिनेंटली मतलब मुख्य रूप से यह पाया जाता है कहाँ, टेरेस्ट्रियल होते हैं, या रेंकर चलने वाले जो क्रीपिंग होते हैं, या बिल बनाकर रहते हैं, या फिर बिलों में रहते हैं, या मोस्टली क्या होते हैं कार्निवोरस मतलब मांसाहारी होते हैं, ये चूहे को मारकर खाते हैं। चूहे मतलब एक सांप की एग्जाम्पल ले लिया कि एक सांप जो है चूहे मारकर खाएगा, चूहे को खाएगा। एंड एयर ब्रीथिंग होते हैं, एयर से सांस लेते हैं थ्रू द लंग्स। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ओविवोरस। कोल्ड ब्लडेड मतलब होता है इनका जो टेम्परेचर होता है वह अकॉर्डिंग टू वायुमंडल के अनुसार कुछ चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा टेम्परेचर, हमारे जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वह 0 डिग्री आ जाए तो इनके बॉडी का भी टेम्परेचर जो है कि 0 पर आ जाए, ऐसा कोई भी बात नहीं है। इनका जो टेम्परेचर था थोड़ा बहुत जो है कि कम हो जाता है, लेकिन ये कहिए कि एकदम जो है कि पूरा चेंज हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है। तो ये इनका जो टेम्परेचर थोड़ा सा कम आता है, वायुमंडल के अनुसार अगर कम होता है हमारे एनवायरनमेंट के अनुसार तो इनका टेम्परेचर भी कम होगा, ठीक है, बट लेकिन थोड़े से मात्रा में कम होता है। एंड उसके बचाव के लिए भाई टेम्परेचर जो है कि वायुमंडल कम है तो उसके जो है कि बचाव के लिए हाइपरनेशन में कहीं छुप जाते हैं, बिलों में
चले जाएंगे, 2-3 महीने वहीं पर रहेंगे अपना, फिर उसके बाद ये जब गर्मियों का सीजन आएगा तो उस समय दिखाई देंगे, ठीक है ओके। सो तो ये गोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये अंडे देने वाले होते हैं, ओविफोरस होते हैं। सिसाप का अंडा आपने सुना होगा, देखा होगा, बॉडी जो होती है, इनका शरीर जो होता है, जैसे मनुष्य का शरीर है ना, इसे यहाँ से काटने पर ये 2 बराबर भागों में लगभग से बढ़ जाती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं बढ़ती, क्योंकि हार्ट जो होता है इस साइड होता है, अगर हम ऐसे काटेंगे तो हार्ट जो है इस साइड चला जाएगा, इस साइड अधिक हो जाएगा। तो बॉडी जो होती है वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होती है, एंड इसका जो किसमें किन किन भागों में डिविजन किया गया है, इनकी जो बॉडी होती है बाइलेटरल सिमेट्रिकल एंड डिवाइड इनटू द 4 रीजन। इनके शरीर को 4 भागों में बांटा गया है, वह कौन कौन से रीजन है, हेड हो गया, सर हो गया, नेक मतलब गर्दन का ट्रंक मतलब शरीर हो गया, एंड द टेल पूंछ हो गया, ओके। एंड नेक्स्ट लिम्ब जो होता है वह 2 पैर होता है, मतलब हाथ पैर जो होते हैं क्या होते हैं, या फिर पंख भी इसमें आज जैसे जो भी मूवमेंट करने में सहायक होते हैं उसे लिम्ब कहते हैं। लिम्ब 2 पैर होते हैं, पेंटा डक्टाइल होते हैं, पेंटा डक्टाइल मतलब 5 होते हैं, हाथ पैर जो होते हैं वो 5 होते हैं। हानेवर यद्यपि लिम्ब जो है ना वो अपसेंट होते हैं, लिम्ब जो है कि अपसेंट। फेव लिजर्ड, कुछ लिजर्ड में एंड ऑल स्नेक, कुछ ऐसी जो छिपकलियाँ होती है, लिजर्ड मतलब छिपकलियाँ होती हैं जिनमें यह है कि नहीं पाए जाते हैं लिम्ब, जबकि ऑल स्नेक भाई स्नेक ऐसे कर चलता है उसमें कोई भी हाथ पैर नहीं होते, ओके। नेक्स्ट जो हमारा एक्सोस्केलेटन मतलब जो बाहर का स्केलेटन होता है ना उसे हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, और हॉर्नी एपिमेरल स्केल्स होते हैं उनके, अब सांप देखेंगे सांप के ऊपर जो है स्केल दिखाई देता है, सील्ड होता है, प्लेट होता है। एंड जो एंडोस्केलेटन होता है मतलब जो हमारा शरीर जो है कि मांस अगर निकाल दिया जाए तो जो भी बचेगा उसे हम एंडोस्केलेटन कहेंगे, वो बोनी मैटर तो बोन हड्डियों का बना होता है। अब माउथ हो गया, माउथ टर्मिनल हो गया, जा जो हो गया ना चबड़ा होता है, और बियर सिंपल कॉनिकल टीथ मतलब सिंपल जो हो गया कॉनिकल मतलब नुकीला टीथ जो ही बियर करता है। इन टर्टल इन केस ऑफ द टर्टल टीथ रिप्लेस बाय द हॉर्नी बीक, इन केस ऑफ द टर्टल में जो टीथ होता है वो रिप्लेस कर दिया जाता है किसके द्वारा, हॉर्नी बीक्स मतलब चोंच के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। एलिमेंट्री कनाल जो हमारा एलिमेंट्री कनाल होता है वो टर्मिनेटेड मतलब खुलता है या फिर कदे समाप्त होता है इनटू द क्लोका अपर्चर। व्हाट इज द क्लोका अपर्चर, इन क्लोका अपर्चर जो डाइजेस्टिव सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम ओपन, जिस अपर्चर में ओपन होता है उसे क्लोका अपर्चर कहते हैं, क्लोकल अपर्चर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट स्किन जो होता है ड्राई होती है, आप सभी ने देखा होगा जो छिपकलियाँ होती हैं या फिर हमारे स्नेक होते हैं उनकी जो स्किन होता है वो रूखी होती है। एंड अगेन जो हमारा 9 हो गया हार्ट, इनका जो हृदय दिल से कहते हैं, दिल जो हो गया इनका 3 चैम्बर होते हैं, इनके दिल में 3 चैम्बर पाए जाते हैं, बट इनके साथ क्रोकोडाइल प्रेजेंट है तो 4 का मतलब कि हार्ट जो है 3 चैम्बर होते हैं, बट लेकिन इनके केस ऑफ द क्रोकोडाइल केस में ये जो है कि 4 चैम्बर होते हैं, ओके। एंड जो हमारा नेक्स्ट होता है वो आरबीसीज ओवर गोलाकार होती है एंड इम्पोर्टेंट न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब उसमें केंद्रक पाए जाते हैं, आरबीसी ओवर एंड न्यूक्लिएटेड, जबकि इन ह्यूमन आरबीसीज अब्सेंट, जो न्यूक्लिएटे जो आरबीसीज में जो न्यूक्लियर होता है ना वो नहीं पाया था, अब्सेंट ऑफ न्यूक्लियस इन ह्यूमन। एंड अगेन जो हमारा अगेन नेक्स्ट पॉइंट है तो वह रेस्पायरेशन मतलब ये सांस किससे लेते हैं, भाई मनुष्य जो है कि फेफड़ों से सांस लेता है, भाई लंग्स से सांस लेता है, ये जो रेप्टाइल जो होता है किसके द्वारा सांस लेते हैं, ये भी जो है कि भाई लंग्स के द्वारा ही सांस लेते हैं, ओके। एंड अगेन जो होता है किडनी हो गई कैसा होती है, मेटानेफ्रिक होती है, एक्सक्रीशन जो होता है वह यूरियोटेलिक होता है मतलब यूरिया फॉर्म में होता है। ब्रेन दिमाग जो होता है बेटर डेवलपमेंट होता है विथ एम्फीबिया, लिखा नहीं लेकिन अब तो बता रहे हैं कि जो एम्फीबियंस होते हैं जो मेढक होते उनसे ज़्यादा इनका जो दिमाग होता है वह डेवलप होता है। सो एंड दिमाग में जो होता है 12 पेयर्स ऑफ द क्रैनियल नर्व पाई जाती है,
जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हुआ लेटरल सिस्टम अब्सेंट होता है इनमें, लेटरल सिस्टम नहीं पाया जाता है। एंड सेक्स जो होते हैं वो सेपरेटेड, मतलब मेल एंड फीमेल जो है कि अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो हो गया, जैसे फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल जैसे मनुष्य में इंटरनल होता है ना, इंटरनल भ्रूण बनेगा, उसी प्रकार इसमें फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल होता है। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, वो आता है पेरेंटल केयर यूजली अब्सेंट। सामान्यता इसमें देखा गया है कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो पेरेंट्स देखभाल करते हैं ना, वो इनमें नहीं पाया जाता, वो इनमें अब्सेंट होता है। सो यही हमारा ओवरऑल जो है कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द रेप्टिलिया था। अब हम आगे पढ़ेंगे अबाउट इसके क्लास के बारे में।